हे गाइस, आज की वीडियो में मैं ये बताऊँ पांच बेसिक चीज़ बताऊँगा जो कि एक प्लेयर को बेटर प्लेयर बनाता है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे को ये बताना है कि LK24 वर्सेस KN44 का जो पार्ट टू था वो मैं थोड़े दिन में अपलोड करूँगा, क्योंकि उसमें एडिट करना थोड़ा सा बाकी है। और बहुत लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्कोर स्ट्रिक्स कैसे मेंटेन करते हैं रैंक्ड मैचेस में, तो उसका भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा बट थोड़े दिन में। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको हर एक गन का या फिर जो आपका फेवरेट गन है जो आप मोस्टली यूज़ करते हो गेम में, उसका रिकॉइल पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, आपको रिकॉइल कंट्रोल करना आना चाहिए वो गन का। तो इसके लिए आप हर रैंक मैच, मतलब हर दिन का जो फर्स्ट मैच है उसके पहले आप एक पब्लिक मैच खेलो या फिर एक प्राइवेट रूम क्रिएट करके उसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक मैच खेलो जिसमें आप मसल मेमोरी को बिल्ड कर सको। तो जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ कि कोई कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग में जाओ एक वुडन वॉल या कोई भी एक वॉल के सामने और उसमें जाके शूट करके देखो। तो जो भी रिकॉइल पैटर्न होगा, अगर वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करना है तो सेम बैक ट्रेस करना, जो भी बुलेट्स का मार्क होगा उसको बैक ट्रेस करना है आपको। तो वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करना इजी है बट हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल करना थोड़ा टफ है, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए लेफ़्ट या राइट मूवमेंट देना पड़ता है। वो भी आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो एक एक पर्टिकुलर गन के लिए तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो सेकेंड चीज़ आता है कि प्री एमिंग। तो प्री एमिंग भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी आपको ऐसा पता है कि उधर सामने बंदा होगा, श्योर नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है सामने बंदा होगा तो मैं उधर प्री एम करके घुसूंगा। एक्चुअली बंदा नहीं होगा तो भी आपको प्री एम करके ही जाना है हर एक कॉर्नर में, तो आपको ही बेनिफिट है। तो जैसे कि मेरा प्री एम करके घुस रहा हूँ उसमें ऑलरेडी, और आपको प्री एम करना इजी करना है तो जैसा मैंने स्क्रीन में एक छोटा सा इमोट आइकन को एकदम स्मॉल करके मैंने मेरे स्क्रीन के मिडल में लगा दिया है, तो वैसा आप कोई भी बटन को जो आप यूज़ नहीं करते हो उसको उसका साइज स्मॉल करके आप स्क्रीन के बीच में लगा सकते हो, तो आपको ये हेल्प होगा। क्योंकि FPS गेम में, हर FPS गेम में आपका क्रॉस हेयर कभी भी स्क्रीन का सेंटर में होता है, या आप कौन सा भी गेम में देख लो स्क्रीन का सेंटर में होता है, कभी भी स्क्रीन का सेंटर से हटेगा नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ लगाना एकदम यूज़फुल है, क्योंकि कोई कोई FPS का गेम में कभी कभी क्रॉस हेयर नहीं होता है, होता ही है, मोस्टली एक सेटिंग होता है जिसमें हार्ड मोड करके उसमें क्रॉस हेयर नहीं होता है। तो उसमें आप ऐसा चौक से स्क्रीन के सेंटर में या फिर ऐसा कोई बटन को स्क्रीन के बीच में रख सकते हो, तो उसके वजह से आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक आपने क्रॉस हेयर का ओवरले क्रिएट किया, और जब भी उसको और जब भी बंदे को मारना हो तो वो बटन या एक चौक का जो भी मार्क है उसको बंदे के ऊपर लेके जाओ और मारो। तो मैं क्या बोल रहा था, प्री एम। हाँ, तो प्री एम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी एक बटन क्रिएट करो, एक कोई भी, आपकी मर्ज़ी, आपको क्रिएट करना है कि नहीं क्रिएट करना है। और कभी भी कॉर्नर जाते वक्त ट्राई करना कि मूवमेंट प्री एम तो करो ही, प्री एम करो ही, बट मूवमेंट देख के करो, क्योंकि अगर मूवमेंट दिया तो सामने वाले को मारना थोड़ा टफ पड़ेगा। मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं जंप करके कॉर्नर चेक करता हूँ, किसका कोई कोई स्लाइड करके करता है, जैसा मैं इसमें बताया कि मैंने इधर मेरे को कॉर्नर पिक लेना है तो मैं स्लाइड करके जा रहा हूँ। अगर उधर बंदा होता तो भी उसको मारने टफ पड़ता, क्योंकि उसका स्क्रीन स्क्रीन से मैं निकल जाता स्लाइड होके नीचे से। तो इसलिए स्लाइड मूवमेंट दो और प्री एम करो, जंप करो, प्री एम करो, स्लाइड करो, प्री एम करो, आपकी मर्ज़ी बट करो। और थर्ड चीज़ देखा जाए तो है मूवमेंट, स्पेसिफिकली मूवमेंट। मूवमेंट्स एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको गन फाइट जीतना है तो। एम तो है ही, रिकॉइल कंट्रोल भी है ही, बट मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप मूवमेंट दोगे तो आप बुलेट्स डॉच कर पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा बंदे मारने,
बट एक्चुअली ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, आपका एम उतना इम्प्रूव होना चाहिए कि आप मूवमेंट दे के भी आप मार सको बंदों को। तो इसमें कभी भी बंदा सामने हो तो लेफ्ट या राइट मूवमेंट देना, जाके सीधा पैर मत पड़ना बंदे का सामने स्लाइड करके, लेफ्ट या राइट मूवमेंट देना है ताकि उसको टफ पड़े। और मेरे एक एडवाइस है कि मूवमेंट ऐसा दो कि आपको ही टफ पड़े, क्योंकि आपको जब मूवमेंट देना टफ पड़ेगा तो सामने वाले को अपना भी टफ पड़ेगा आप पे क्रॉस एयर लाना। तो ऐसा मूवमेंट ट्राई करो कि आपको ही टफ पड़े, बट वो मूवमेंट प्रैक्टिस करो और उसमें एग्जैक्ट एम करना प्रैक्टिस करना। मतलब जैसे वो मूवमेंट कर रहे हो तो आपका क्रॉस एयर बंदे पे होना ही चाहिए, आपका बुलेट्स मेजोरिटी ऑफ बुलेट्स आपका काउंट होना ही चाहिए, वैसे ट्राई करना। और आप कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा सकते हो मूवमेंट्स का, जैसा मैं इसमें जैसा मैं इसमें दिखाया कि आप लेफ्ट या राइट टर्न हो के फिर फटक से लेफ्ट स्लाइड कर सकते हो, तो भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। जैसे इसमें मैं राइट टर्न हुआ और फटक से लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब आपको एकदम सर सामने वाले को पूरा कन्फ्यूज ही करना है। ये आपका आइडिया है, बेसिक आइडिया है कि सामने वाले को पूरा मतलब कन्फ्यूज ही करूँ, उसको क्रॉस है मेरे पे बैठने ही नहीं चाहिए, ये आपका मेन ये होना चाहिए। तो जैसी किया राइट लेफ्ट बस करो और आपका क्रॉस एयर बंदे पे होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करना। ये चीज़ इम्पोर्टेंट किधर आता है, जैसे एक ऐसा एक आप नए रूम में घुस रहे हो और आपको पता होता बंदा है, अब बंदे को भी पता है कि आप है बट आपको अंदर घुस के मारना है, तो आप फटक से राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट करके स्लाइड कर सकते हो, तो उसको मारना टफ पड़ेगा। और अभी ज़्यादा ही स्पेस है तो आप उसको कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आपको अभी ऐसे ओपन ग्राउंड में करना है तो राइट लेफ्ट और फिर से जंप कर सकते हो राइट या लेफ्ट जो भी। तो इससे क्या होगा कि और भी उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा मूवमेंट का, बट जितना आप अपना मूवमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो उतना ही आपको एम करना टफ पड़ेगा। बट मूवमेंट अगर सबको करना होता इतना और एम भी करना होता तो हर एक बंदे प्रो प्लेयर बन जाते थे, बट ऐसा नहीं है। तो आपको अगर बेटर प्लेयर बनना है तो मूवमेंट करो और परफेक्ट एम मेंटेन रखना तो इजी है, गन फाइट जितना इजी है, हर बार नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम इजी है। और फिर दूसरा है कि ड्रॉप शॉट मोस्टली जब क्लोज रहेंगे बंदे तभी ट्राई करना, तो और आपको पता है कि आप गन फाइट नहीं जीत पाओगे अगर नॉर्मली आप एम करके मारने जाओगे तब, तो ड्रॉप शॉट दो। और जैसा अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई कोई लोग ड्रॉप शॉट इतना फटाफट कैसा देते हैं, मतलब ड्रॉप शॉट देते उठते या फिर मल्टीपल ड्रॉप शॉट देते हैं वैसे, तो इसमें क्या है कि आप प्रोन होके जंप बटन मत दबाओ उठने के लिए, उसमें आपको एक एकदम सेकेंड्स का मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है उठने के लिए। आपको अगर फटाफट उठना है तो जंप और क्राउच बटन दबाना, उससे क्या होता है कि फटाफट आप उठ पाओगे। पूरा खड़ा होना है तो दो बार क्राउच बटन दबाना, अगर मल्टीपल ड्रॉप शॉट देना है तो जंप क्राउच, बस इतना आप फटाफट दे सकते हो। और कभी भी क्राउच होके उठते वक्त सीधा ही मत उठना, अगर सीधा उठा तो उसका कुछ यूज़ नहीं है, अगर आप क्योंकि कभी कभी प्रोन होते वक्त भी आप एम मिस कर दोगे, ये कभी कभी चांसेस है आपका, तो मिस हो गया फिर जैसे ही उठोगे तो आप मरने वाले हो। तो एक उससे अच्छा प्रोन करके सीधा ही उठने के बजाय आप प्रोन करो और मोमेंट देके उठो, जैसे कि इसमें एक मिनट, तो जैसे कि इसमें मैं प्रोन कर रहा हूँ, एक मिनट जैसे कि इसमें मैं प्रोन कर रहा हूँ और लेफ्ट या राइट मूवमेंट देके उठना, तो वो सबसे जैसे कि इसमें मैं किया प्रोन और लेफ्ट मूवमेंट, प्रोन और लेफ्ट करके उठना या फिर राइट करके उठना, तो क्या होगा कि सामने वाले को मारना थोड़ा टफ पड़ेगा। और इसमें और भी सेम हर एक मूवमेंट में आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हो। इसमें भी जैसे मैं प्रोन कर रहा हूँ राइट लेफ्ट स्लाइड कर रहा था, मैं प्रोन कर रहा हूँ लेफ्ट या राइट स्लाइड कर रहा हूँ, सब आप कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो, जैसा कॉम्बो बनाते हो हर फाइट गेम में वैसा। तो इसमें ऐसा ट्राई करो कि मूवमेंट का कॉम्बो बनाओ, जब क्राउच प्रोन करो लेफ्ट करो स्लाइड करो जंप करो जो भी, मगर इतना भी मूवमेंट करना ज़रूरी मतलब
इतना मूवमेंट करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दो मूवमेंट में आपका अगर एम अच्छा होगा तो बंदे को मार सकते हो, बट बाई चांस आपका एम मिस हो गया और आपको बंदे को भी एकदम मुश्किल करना है आपको मारने, तो मूवमेंट देते रहो, उसका पूरा एमओ ख़त्म करो और फिर आपको ईजी पड़ेगा मारने। हिलते रहो जो भी करो, प्रो लेफ्ट राइट ब्ला 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 जो भी, सब कॉम्बो बनाओ एकदम बढ़िया सा, या फिर कॉम्बो ऐसा प्राइवेट मैच में प्रैक्टिस करो कि नया कुछ करो, या फिर जैसे कि इसमें मैं अगर बंदे पीछे से मार रहे तो मैं राइट मूव करूँगा और टर्न होके जंप करके मारूँगा, ये भी मैं एक प्रैक्टिस किया कि पीछे से मार रहे तो फटक से, और ये सब मूवमेंट एकदम फटाफट होना चाहिए। आप अगर एकदम स्लोली मूवमेंट करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, इतना फास्ट होना चाहिए कि सामने वाला बंदा क्रॉसर आप पे लाने से पहले ही आप मूवमेंट दो लेफ्ट या राइट, टर्न हो जाओ, जंप करो और उसको मार दो। तो ये है, और ये मेरा 1v1 चैम्पियनशिप का एक फ़ाइट था, ऐसा दो तीन फाइट है बट मैं स्पेसिफिक ये फ़ाइट का क्लिप मैंने इसमें डाला हूँ क्योंकि इसमें बंदा पीछे से मेरे को मारने आ रहा था और ये मैं उसमें से स्लाइड करके उसका स्क्रीन से हट गया। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप परफेक्टली स्लाइड करोगे लेफ्ट या राइट तो सामने वाले का स्क्रीन से निकल जाता है बंदा, तो उसको थोड़ा तो घुमाना पड़ेगा आपको मारने, और उसमें आप और भी कॉम्प्लेक्सिटी पड़ा जैसे जंप करने का तो मतलब भूल ही जाओ। इसमें उसने ये प्लेयर अच्छा है, इसने अच्छा से एम करके मारा, बट मैं इसको मार सकता था। इसमें मैंने ये गलती किया कि मैंने उसमें एम प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, एम मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है मूवमेंट देते वक्त। तो इसमें मूवमेंट देखो, इधर से स्क्रीन से मैं उसका निकल गया था, लेफ्ट साइड स्लाइड किया और मैं फटक से तभी का तभी जंप कर रहा था मैं, तो उसमें मैंने एम हगा, उसका हेल्थ 50 HP हो गया था उसमें, क्योंकि मैंने एम प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो उसकी वजह से। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेंटेन रखता हूँ एम, और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ एम मेंटेन रखने की। तो यही मैं चीज़ बता रहा था कि मूवमेंट दो, जंप करो और एम मेंटेन रखना। और मोस्टली मेरे को बंदे को मारते वक्त जंप करके मारना एकदम अच्छा लगता है, हर बार जंप मत करना, नहीं तो फ़ायदा नहीं। हर बार जंप करोगे आपका एम थोड़ा सा बिगड़ेगा ही, जंप तब भी करना जब सामने वाला बंदा आपको मार रहा है, नहीं तो सामने वाला बंदा किसी और को मार रहा है और आप उसको मारने के लिए आप फिर भी जंप कर रहे हो जो कि यूज़ ही नहीं है। उससे अच्छा सीधा से खड़े रहो और आराम से आप एम करके मार सकते हो। और फाइनली लास्ट चीज़ ये आता है कि प्री फायरिंग और प्री एमिंग, ये दोनों सेम एक टाइप का सेम ही है, सिर्फ प्री एमिंग में एम करते हो और फिर फायर करते हो, बट प्री फायरिंग में पहले से फायर करना पड़ता है। और प्री फायरिंग मोस्टली एक्सपीरियंस के साथ आपको जजमेंट मिल जाता है कि प्री फायर कभी करना है। आप बहुत मैप्स खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर बंदा एक साइड से निकला तो चार रास्ता है उसको निकलने के लिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा उसमें से कौन सा जगह से निकलेगा और आप प्री फायर दे सकते हो उसको। तो इसमें प्री फायर के लिए आप वो एंगल में पहले से इसको लेके जाओ क्रॉस एयर को और फायर कर दो साथ में, तो मेरे को पता है कि वहाँ से बंदा आएगा तो मैं सीधा जंप करके फायर दे दूँगा उस पर, इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ जंप करके फायर। और याद रखना मूवमेंट दे के प्री फायर देना, ऐसी नहीं, ऐसी भी तो फ़ायदा ही है। अगर सामने वाले बंदे को भी पता है कि आप उधर हो और वो भी शाना है तो भी प्री फायर देगा, बट आप उससे ज़्यादा शाने हो तो मूवमेंट दे के मारना। तो उधर बंदा है अगर तो जंप करो और पहले से फायर करना। तो अभी इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि अगर उधर बंदा स्पॉन हुआ और वहाँ से गया और मेरे को पता है वहाँ से गया, तो वो एक ही दो जगह से ही आएगा, या फिर एक गैराज के अंदर से आएगा या फिर पूरा लेफ्ट साइड से आएगा, तो मैं उधर जाके सीधा प्री फायर दे दूंगा। इधर से गया तो सिर्फ दो जगह से आएगा, तो मैं यहाँ से जाऊंगा और सीधा प्री फायर दे दूंगा, या फिर वो राइट गया तो मैं सीधा जंप मार के राइट में मार दूंगा। तो ये सब चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने आना चाहिए, और मोस्टली ये एक्सपीरियंस से ही बिल्ड होता है। और जैसे कि सामने बंदा मेरे को मतलब आइडिया है कि उधर ही किधर आसपास बंदा है, तो मैं गया जंप किया और प्री फायर दे के मारा। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको एकदम अच्छा प्लेयर नहीं बनाएगी, बट अगर ये सब चीज़ को आप इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे तो आप एक अच्छा प्लेयर बन सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि गेम सेंस तो ऐसा बता नहीं सकते, गेम सेंस तो आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, जो कि IQ बोलते हैं, गेम IQ, तो वो आपको खेलने से आप डेवलप कर सकते हो।
बहुत बार मरने से आप सीख सकते हो कि मैंने क्या गलती की और इसको मैं ओवरकम करने के लिए क्या क्या करूँ। तो इसके लिए भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जो कि स्कोर स्ट्रिक्स कैसे मेंटेन करते हो उस पर मैं बताऊंगा सब। तो ये वीडियो में इतना ही था, ये सब जो बेसिक चीज़ है जो आपको एक बेटर प्लेयर के पाथ में डाल देगा और फिर आपको ही इम्प्रूव करना है ये सब चीज़। एक्चुअली मैं भी इतना परफेक्ट प्लेयर नहीं हूँ, मैं भी ये सब चीज़ इम्प्रूव ही कर रहा हूँ। तो मैं बेटर प्लेयर हूँ बट एक प्रो प्लेयर नहीं हूँ, तो मेरे को भी ये सब चीज़ इम्प्रूव करना ही है अगर मेरे को अच्छा बनना है गेम में। तो ये सब चीज़ फॉलो करो, प्रैक्टिस करो जो भी मैंने बताया था, गेम आई क्यू इम्प्रूव करो और बस आप बेटर प्लेयर के पाथ में सेट हो। तो बस ये वीडियो में इतना ही, और बाकी वीडियो अगले वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी करना। तो नेक्स्ट वीडियो में वो पार्ट टू का वीडियो बनाऊंगा जो कि AK-24 वर्सेस KN-44 का था, और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का भी या फिर स्कोर ट्रिक मेंटेन करने का उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और मैं मोस्टली अभी ये ओवरलेज भी क्रिएट कर रहा हूँ मेरे इसके लिए, मतलब फ़ोटोशॉप डिज़ाइंस वगैरह। अगर आपको वो भी देखना है तो मैं वो इंस्टाग्राम में मैं अपलोड करता हूँ, तो जाके मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना। तो उसमें मोस्टली सब फ़ोटोशॉप डिज़ाइंस वगैरह भी अपलोड करने वाला हूँ मैं। तो बस ये वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।